अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसको समझने के लिए सपोज ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए के अंदर बहुत सारा क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये एक जीन्स है। एट द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे पहले इस जीन का क्या बनते हैं, एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोटिक में कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। और इस एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब इस कंप्लीट मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। यहां पे सपोज जीन आई था, इसका एक्सप्रेस हुआ, एक्सप्रेस होने के वजह से अल्टीमेटली सेल के अंदर क्या बनते हैं, एक पार्टिकुलर प्रोटीन बनते हैं जिसका एक पार्टिकुलर क्या होता है, फंक्शन होता है। अब इस जीन को कब एक्टिवेट होना है या कब एक्टिवेट नहीं होना है, कब एक्सप्रेस होना है कब नहीं होना है, इसको रेगुलेट किया जाता है। सपोज इसको समझने के लिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है। इनसाइड द ब्लड वेसल्स हमारे क्या होता है, ब्लड होता है, और ये ब्लड मेन जो इसका फंक्शंस होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। जैसे कि सपोज अगर यहां पे एक सेल है, इस सेल को सर्वाइव करने के लिए इसको न्यूट्रन की जरूरत है, फूड की जरूरत है, और यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उस टॉक्सिक केमिकल्स को रिमूव करने की जरूरत होता है। साथ ही साथ यहां पे ग्लूकोज को या फूड को जो ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होता है। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं, इसको भी बाहर रिमूव करने की जरूरत होता है। इन सब को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाते हैं, किसके थ्रू, ब्लड्स के थ्रू। अब सपोज हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड क्या है, ज्यादा है, उस टाइम पे हमारा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास आप लोगों को मालूम होगा, पेनक्रियास जो होता है ये एक मिक्सिड, ये एक मिक्स ग्लैंड है। क्यों मिक्स है, क्योंकि यहां पे एंडो पार्ट भी होते हैं और एक्सो पार्ट भी होते हैं। एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। यहां पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, ब्यूटा सेल, इस तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्यूटा सेल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सिंथेसिस करने के लिए ब्यूटा सेल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमारे ब्लड्स के अंदर या हमारे ब्लड्स में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, उस टाइम पे हमारा पेनक्रियास के ब्यूटा सेल के अंदर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। और इस इंसुलिन का मेन पर्पस क्या होता है, ये इस ग्लूकोज को यहां से लेके जाते हैं कहां पे, लिवर में, और लिवर में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोजन के फॉर्म में लिवर में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। अब देखो सपोज ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन कब सिंथेसिस होगा, जब हमारे ब्लड्स के अंदर जो है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तभी इंसुलिन सिंथेसिस होगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मिनिमम है, कम है, तो उस टाइम पे इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं होगा। अब इस जीन्स का कब एक्सप्रेस होता है कब नहीं होता है इसको रेगुलेट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट। फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल,
यूकैरियोटिक सेल में जो जीन रेगुलेशन होता है ये मल्टीपल लेवल पे होता है, मल्टीपल लेवल जीन रेगुलेशन होता है यहां पे। जैसे कि सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ जीन होता है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सबसे पहले जो यहां पे हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं एट द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन, इस डीएनए का यहां पे क्या बनते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको कहते हैं प्री आरएनए मॉलिक्यूल्स। इसके बाद यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से ये क्या होता है, ये आरएनए मैच्योर आरएनए या मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले जो जीन रेगुलेट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। इट मींस प्राइमरी आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस के टाइम पे क्या होता है, जीन रेगुलेशंस होता है। सेकंड, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब देखो इस प्री आरएनए को या प्राइमरी आरएनए मॉलिक्यूल्स को मैच्योर आरएनए में या एमआरएनए में कन्वर्ट होना पड़ता है। उस टाइम पे यहां पे आरएनए मॉलिक्यूल का कुछ प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा जो प्री आरएनए होता है यहां पे दो अलग अलग किस्म के रीजन्स होता है, एक को हम कहते हैं एक्सॉन, दूसरा होते हैं इंट्रॉन्स। अब इस इंट्रॉन्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है एक पार्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का, इसीलिए इस इंट्रॉन्स को यहां से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल टेक प्लेस आल्सो इन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे कि आरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम पे, आरएनए एडिटिंग के टाइम पे या कैपिंग टेलिंग इन सब स्टेजेस में क्या होता है, जीन रेगुलेशन को चेक किया जाता है। नंबर थर्ड, अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा मैच्योर आरएनए सिंथेसिस हुआ है, इस आरएनए मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस टाइम पे भी क्या होता है, जीन रेगुलेट को चेक किया जाता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उस टाइम पे जीन रेगुलेशन को भी चेक किया जाता है। एंड फोर्थ स्टेज दैट इज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स के टाइम पे भी क्या होता है, जीन रेगुलेशंस होता है। देखो इसको इस तरह समझो, अब ये एमआरएनए जो मॉलिक्यूल्स है ट्रांसपोर्ट हुआ है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशंस हो उसको रीड करते हैं राइबोसोम्स और इसके मदद से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस टाइम पे भी जीन रेगुलेशंस होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सेंथिसिस, इस टाइम पे भी जीन रेगुलेट को चेक किया जाता है। ठीक है, ये हो गया जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसके बाद जीन रेगुलेशंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स।
प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में जींस जो रेगुलेट होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है, जीन रेगुलेशन को चेक किया जाता है। आप यहां पे जो जीन रेगुलेट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, एक पार्टिकुलर प्रोटीन जिसका नाम है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है इसको सिंपली एसेसरी प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये एसेसरी प्रोटीन्स प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे बेंट होता है जिसकी वजह से या तो ट्रांसक्रिप्शन को इनहेबिट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इस एसेसरी प्रोटीन्स का दो फंक्शंस होता है, दो किस्म के हो सकता है। एक तो ये एक्टिवेटर का काम करते हैं, दूसरा ये इनहिबिटर का काम करते हैं। एक्टिवेटर का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा, प्रमोट कर देगा। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट जो बात है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहां पे जो जींस क्लस्टर में प्रेजेंस होता है और इसीलिए यहां पे क्या होता है, ऑपरॉन। अब देखो इसको समझने के लिए, व्हाट इज मीन बाय ऑपरॉन। सपोज ये एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहां पे एक प्रोमोटर और यहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स का जींस होता है, इसके बाद यहां पे स्ट्रक्चरल जीन का प्रोमोटर होता है और ये ऑपरेटर होता है, और ये होता है स्ट्रक्चरल जीन्स और अल्टीमेटली यहां पे क्या होता है, टर्मिनेशन साइट। एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए के अंदर क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं, या आप इस तरह से याद रख सकते हो, एक ही प्रोमोटर के अंदर मोर देन वन जीन्स प्रेजेंस होता है और इसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऑपेरॉन। जो कहां पे प्रेजेंस होता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होता है, एक ही ऑपरेटर के, एक प्रोमोटर के अंदर एक ही जीन्स प्रेजेंस होता है, एक प्रोमोटर के अंदर एक जीन क्या होता है, प्रेजेंस होता है। सपोज यहां पे जीन आई, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है एक प्रोमोटर के अंदर मोर देन वन जींस प्रेजेंस होता है और इसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऑपेरॉन कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑपेरॉन होता है बेसिकली ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, दूसरा होता है सप्रेसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, ये जो इंड्यूसिबल जो ऑपेरॉन है ये कंटिन्यूअसली किस मोड में रहते हैं, ऑफ मोड में रहते हैं। ठीक है, ये सप्रेसिबल जो ऑपेरॉन है ये कंटिन्यूअसली ऑन मोड में रहते हैं। ठीक है, इंड्यूसिबल इसको इंड्यूस करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है। ये पहले से क्या है, ऑफ मोड में है। अब इसको जब वहां पे लैक्टोज प्रेजेंस होगा तभी ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारा लैगोपरॉन और यहां पे एग्जांपल है हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है इंड्यूसिबल ऑपरॉन, और ये जो सप्रेसिबल जो ऑपरॉन है आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइकोपॉन। थैंक यू वेरी मच।